नगर निगम द्वारा अवैध कॉलोनी काटने वालों पर कार्यवाही आरंभ कर दी गई है, जिसके अंतर्गत गुरुवार को आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश अनुसार उपयंत्री राजेंद्र रावत द्वारा 6 कॉलोनाइजर के विरुद्ध निगम अनुमति, कॉलोनाइजर लाइसेंस एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से अनुमति प्राप्त किए बिना भूमि का विवर्तन कराए कृषि भूमि का उपविभाजन कर विक्रय पत्रों के माध्यम से भूखंडों के रूप में विक्रय किया जाकर अवैध रूप से कॉलोनी बसाने जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने हेतु संबंधित थाना क्षेत्रों में FIR दर्ज करवाई गई है। मिली जानकारी के अनुसार निगम कॉलोनाइजरों के विरुद्ध FIR दर्ज करवाई गई है। नगर पालिक निगम उज्जैन के द्वारा थाना चिमनगंज पर कुछ कॉलोनी वालों के पत्र प्रस्तुत किए थे, जिन्होंने अवैध रूप से कॉलोनियाँ काटी थी। तो उस पत्र को देखते हुए थाना चिमनगंज मंडी क्षेत्र में 3 ऐसी जगह स्थान थे जिन पर कॉलोनी अवैध रूप से काटी गई थी और जो कि कृषि भूमि थी, और उस पर बिना किसी विधिक कार्रवाई की उन्होंने कॉलोनी काटी थी। इस आधार पर भी तीन व्यक्तियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना में फिर आगे इसमें और स्थिति स्पष्ट होगी।